यह स्टार्ट हो गई। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ दिव्या इलानी एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। तो कल हमने देखा, हमने प्लांट टिश्यू कंप्लीट किया था। आप लोगों ने बहुत सारे टॉपिक बताए भी है, लाइक फंजाई, 12th क्लास का 6th चैप्टर। मैं पूरी कोशिश करूंगी अगला टॉपिक आपका यही लेने की, और भी जो भी बच्चे हैं वो जो भी टॉपिक क्लियर करवाना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने बहुत सारे लाइक ज़रूर देना, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू बच्चों, एनिमल में क्या होता है, जंतुओं में जो जंतु उत्तक है वो कैसे बनते हैं। सबसे पहले युग्मक गैमेट होते हैं, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों फ्यूज हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, जायगोट बना देते हैं, ठीक है। ये जो जायगोट है इससे क्या बनती है, इससे तीन परतें बनती है, तीन लेयर्स बनती है, और उसी तीन लेयर से आगे जाके पूरी की पूरी जंतु की पूरा का पूरा शरीर डेवलप होता है, ठीक है। तो ये जो जायगोट है इससे कितनी परतें बनती है, तीन परतें बनती है। तीन परतें कौन सी होती है, तीन लेयर कौन सी होती है, मीजोडर्म जो कि बीच वाली परत होती है, एक अंदर वाली परत होती है एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्सोडर्म। तीन परतें होती है, तीनों से क्या बनता है, तीनों से जाके सारे के सारे जंतु की बॉडी के टिश्यू बनते हैं, ठीक है। एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्सोडर्म, ये तीनों परतें हैं, इन्हीं से जाके आगे क्या बनेंगे, सारे टिश्यू। अब टोटल टिश्यू होते कितने जंतु में, चार प्रकार के उत्तक, चार प्रकार के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं किसी भी जंतु में, क्लियर। वो क्या होते हैं, वो होते हैं, पहला है मस्क्यूलर टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है एपिथेलियल टिश्यू, और चौथा है नर्वस टिश्यू। ये चार टिश्यू हमारे इन तीनों परतों से मिलकर बनते हैं। अब इन तीनों परतों में से कौन सा टिश्यू कौन सी परत से बनता है, ये मैं आपको पहले बताने जा रही हूँ। अगर बात करें एंडोडर्म की, एंडोडर्म मतलब अंतः परत, ठीक है। अंतः परत से कौन सा टिश्यू बनता है हमारा, नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। और मीजोडर्म से हमारा कौन सा बनता है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्क्यूलर टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू। एक्सोडर्म से हमारा कौन सा बनता है, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। बेटा एपिथेलियल टिश्यू जिसे हम क्या कहते हैं, उपकला उत्तक, उपकला उत्तक यूजुअली हमारे बॉडी के बाहर भी होता है और अंदर भी होता है, इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू एक परत से ना बनकर तीनों परतों से बनता है, क्लियर है। एपिथेलियल टिश्यू किससे भी बनता है, एक्सोडर्म से, मीजोडर्म से और एंडोडर्म से। एंडोडर्म से भी क्या बनता है, एपिथेलियल टिश्यू। तो आप, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कौन सा टिश्यू हमारे कौन सी परत से बनता है, ठीक है। और ये तीनों परतें कब बनती है, जब जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो का आगे निर्माण होता है तब ये तीनों परतें बनती है, ठीक है। उसके बाद अब हम डिटेल पढ़ेंगे तीनों उत्तकों की। पहला उत्तक कौन सा है, पहला उत्तक है हमारा मस्क्यूलर टिश्यू,
मस्क्यूलर टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पेशी ऊतक, पेशीय ऊतक। बेटा जो पेशीय ऊतक है, ये पेशीय ऊतक तीन प्रकार की पेशियों से मिलकर बनता है। एक होती है स्केलेटल मसल, स्केलेटन मसल। एक होती है स्मूथ मसल, स्मूथ मसल। और एक होती है कार्डियक मसल। बेटा अगर बात करें स्केलेटल मसल की, तो स्केलेटल मसल जो है ये कैसी होती है? वॉलेंट्री मसल होती है। कैसी होती है? वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री का मतलब क्या हुआ? वॉलेंट्री का मतलब हुआ ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक मतलब जो हमारी इच्छा से काम करे। हम अगर चाहें तो हम बैठ सकते, हम चाहें तो हम बोल सकते, मैं चाहूं चलना तो मैं चल सकती हूँ। जो भी काम मैं चाहूं, मेरी इच्छा से जो मैं कर रही हूँ, वो सारे के सारे काम कौन करती है? हमारी वॉलेंट्री मसल करती है। क्लियर है? ये क्या हो जाती है? हमारी स्केलेटन मसल। ठीक है, स्मूथ मसल क्या होती है? स्मूथ मसल होती है इनवॉलेंट्री मसल। और कार्डियक मसल की बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हृदय पेशी, हृदय पेशी। और हृदय पेशी भी कैसी पेशी है? हृदय पेशी भी एक प्रकार की इनवॉलेंट्री मसल है। हम चाहें तो हमारे हृदय को धड़का सकते हैं, और हम चाहें तो हमारे हृदय को नहीं धड़का सकते। ऐसा तो नहीं होता। हृदय की जो धड़कन है, जो हार्ट बीट्स है, वो हमारी इच्छा से नहीं चलती, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। इसीलिए हम इनको क्या कह देते हैं? इनको हम कह देते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, तो ये हम हुआ हमारी कितनी पेशियां होती है पेशी ऊतक में? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। और अगर देखा जाए स्केलेटल मसल को, तो इसको स्ट्रिएटेड मसल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रिएटेड मसल। क्यों बोलते हैं इसको स्ट्रिएटेड मसल? क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी धारियां पाई जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रिएटेड मसल। स्मूथ मसल को हिंदी में बोलते हैं चिकनी पेशी। क्या बोलते हैं हिंदी में? चिकनी पेशी, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी धारियां नहीं पाई जाती है। अच्छा, अगर लोकेशन की बात करें, तो लोकेशन यानी कौन सी स्थान पे, कौन सी जगह पे, कौन सी पेशी मिलेगी? तो अगर बात करूं स्केलेटन मसल की, तो ये कहाँ पे मिलेगी? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल मसल। एब्डोमिनल मसल मतलब हमारे पेट के आसपास की, एब्डोमन रीजन की जितनी भी मसल होती है उसको हम कहते हैं एब्डोमिनल मसल। ये मसल सारे लोग तो नहीं हिला सकते, पर आपने बैली डांसर्स को जरूर देखा होगा इस मसल को मूव करते हुए। तो इसका मतलब ये कैसी पेशी हुई? ये इच्छिक पेशी हुई। आपने बाबा रामदेव जी की योगा भी देखी होगी, वो भी क्या कर पाते हैं? वो भी अपनी एब्डोमिनल मसल को मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है इनवॉलेंट्री मसल, तो ये कहाँ मिलेगी? अगर बात करूं स्मूथ मसल की, तो स्मूथ मसल का एग्जाम्पल होता है कहाँ पे मिलेगी? ये इंटरनल ऑर्गन में। इंटरनल मतलब आंतरिक अंगों में। आंतरिक अंग बोले तो आंतरिक अंगों को बोलते हैं विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन में क्या मिलती है आपको? आपकी चिकनी पेशियां मिलती है। क्लियर? कार्डियक मसल की बात करें, तो कार्डियक मसल कहाँ मिलती है? हृदय में। कहाँ पे मिलेगी? हृदय में, इनसाइड हार्ट। क्लियर है? या बोल सकते हैं वॉल ऑफ हार्ट, हमारे जो हृदय की बाहरी दीवार होती है, वॉल ऑफ हार्ट, वहां पे आपको क्या मिलती है? कार्डियक मसल। उसके बाद आता है हमारा दूसरा टिश्यू, जिसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू नाम से समझ में आ रहा है, कनेक्टिव मतलब संयोजी ऊतक। क्या मतलब है इसका? संयोजी ऊतक। तो ये क्या करेगा? ये संयोजन का काम करता है। किसके संयोजन का? हमारे त्वचा जो है, क्या है हमारी त्वचा? स्किन। स्किन को
हमारी मसल्स से, जो हमारी मसल्स हैं, मसल से कनेक्ट करने का जो काम करता है वो कौन सा टिश्यू करता है, वो करता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। तो हमारी स्किन जो है वो क्या किससे बनी है, एपिथेलियल टिश्यू से, इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, और कनेक्टिव टिश्यू को कहते हैं डर्मिस। और मसल, मसल्स किससे बनी होगी, मस्कुलर टिश्यू से। ये फ्रेमवर्क मेंटेन करता है हमारी बॉडी का। क्लियर है? कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मुख्यतया तीन प्रकार के होते हैं, मुख्यतया कितने प्रकार के मिलेंगे आपको, तीन प्रकार के। एक होता है रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। एक मिलेगा आपको इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और एक आपको क्या मिल जाएगा, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अगर बात करें हमारे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की, तो हमारे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आ जाता है हमारा ब्लड, और दूसरा आ जाता है हमारा लिम्फ। और क्या आ जाती है, ब्लड, लिम्फ, बोन्स, कार्टिलेज, ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आ जाते हैं। अगर रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें क्या आते हैं, हमारे टेंडन आ जाते हैं, लिगामेंट्स आ जाते हैं। टेंडन क्या काम करते हैं, टेंडन कनेक्ट करते हैं मसल टू बोन। किसको, मसल यानी पेशियों को, किससे, हड्डियों से। और लिगामेंट किसको कनेक्ट करते हैं, बोन टू बोन। किसको कनेक्ट करते हैं, बोन टू बोन। क्लियर है? तो ये हमारा कौन सा टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आ जाता है हमारा कौन सा टिश्यू, उसके बाद आ जाता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को हम हिंदी में कहते हैं उपकला उत्तक। क्या कहते हैं हम, उपकला उत्तक। उपकला उत्तक की अगर बात करें तो उपकला उत्तक जो है हमारा वो मुख्यतया दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा होता है हमारा कंपाउंड, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की अगर बात की जाए, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू है जो किससे बना होगा, जो एपिथेलियल टिश्यू की एक ही लेयर से बनाओ, किससे बनाओ, एक ही लेयर से, एक ही परत से बना होगा, उसको क्या कहेंगे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और जो एक से ज्यादा परतों से मिलके बना होगा उसको हम क्या कह देंगे, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू कह देंगे। ठीक है? अगर फंक्शन की, कार्यों की बात करें तो इनके कार्य में जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है वो चूंकि एक ही लेयर का होता है, सिंगल लेयर का है, तो ये किसका काम करता है, डिफ्यूजन का। किसका काम कर लेगा ये, डिफ्यूजन का। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। दूसरा हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा इसका काम सिक्रिएशन। और अगर बात करें मल्टी लेयर्ड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की, तो इसका एक ही काम होता है, क्या काम होता है, प्रोटेक्शन। क्या काम होता है इसका, प्रोटेक्शन। इनके फर्दर भी बहुत सारे टाइप होते हैं, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक मैपिंग कर रहे हैं, केवल एक चैप्टर की मैपिंग कर रहे हैं हम लोग 15 मिनट्स के जल्दी वाले टॉपिक में। तो मैंने आपको ये नॉर्मल चीजें इसके बारे में बता दी। नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा टिश्यू, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो है इसके हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, स्ट्रक्चरल
unit of nervous tissue is neuron. किसको बोलते हैं हम? Neuron को बोलते हैं. तो हमको mainly किसका structure सीखना पड़ता है? Neuron का structure सीखना पड़ता है. Neuron के structure में क्या होता है बच्चों? Mainly इसमें dendrites होती है. These are known as dendrites. ध्रुवनिकाएं. और ये क्या है बीच में? न्यूक्लियस. और बीच वाले पार्ट को कहते हैं सेल बॉडी. ये जो पार्ट है ये कहलाता है एक्सॉन. और ये क्या कहलाते हैं? नर्व एंडिंग्स कहलाते हैं. क्लियर है? और इनके लास्ट में लगी होती है सिनेप्टिक वेसिकल. तो ये आपको चित्र देखने को मिला ही होगा. किसका? न्यूरॉन का, जिसे हम बोलते हैं तंत्रिका कोशिका. और तंत्रिका कोशिका को हम क्या कहते थे? सबसे लंबी कोशिका है ये. जंतु की क्या है? सबसे लंबी कोशिका. क्लियर है? तो ये क्या हो जाता है? ये हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू. क्लियर है? ये हो जाएगी आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर. और बात करें नर्वस टिश्यू की, तो इसके दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं इसको. एक हो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. एक हो जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है हमारे ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड से. और बात करें अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो ये हमारे किससे बन जाता है? देखो सेंट्रल मतलब जो हमारी बॉडी के कहाँ प्रेजेंट हो? सेंटर पे प्रेजेंट हो, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब जो हमारे पेरिफ्री पे, परिधीय अक्ष पे प्रेजेंट हो, उसे बोल देंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है? तो ये बना देती है क्रेनियल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स मतलब ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स. तो ये होता है हमारा कौन सा टिश्यू कंप्लीट? एनिमल टिश्यू कंप्लीट. कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है. और अगर कोई डाउट है आपका इसमें तो वो भी जरूर पूछिएगा, तो मैं आपको वो भी क्लियर कर पाऊंगी. क्लियर? तो अब हम कल देखेंगे जो भी टॉपिक अप्रोप्रिएट लगता है, तुम लोगों ने डिमांड की है जिसकी, मैं पूरी कोशिश करूंगी वही टॉपिक बनाने की. ऑल द बेस्ट.